आज का व्लॉग इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस, क्योंकि मैं आज के व्लॉग में रीबॉर्न का नया कलर रिवील करने जा रहा हूँ। कलर कौन सा है कौन सा नहीं ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले जरूरी बात यह है कि आज हमारे चैलेंज का 18वां दिन शुरू हो चुका है और बाकी रह चुके हैं 12 दिन। 30 डेज चैलेंज वाला पंगा तो मैं ले ही चुका हूँ, लेकिन इसमें हम कामयाब हो पाते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। इसकी हम डिटेलिंग करवाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा हमने काफी सारा काम करवा लिया इसका, और मजीद इसका काम जो है ना अभी होना है, तो लेट्स सी वो कब तक होता है। और अभी फिल वक्त की खबर ये है कि हम जा रहे हैं वर्कशॉप, और वर्कशॉप पे जाके हमने चेक करो जरा कितनी लंबी उम्र है। खबर भाई कहीं फोन आ गया, लुक एट दिस। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम खबर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी खबर भाई, बताएं हुक्म करें। सर जी कैसे हैं? ठीक है शुक्र है अल्लाह का। सर आप सुनाएं, आपकी याद कर रहा था मैं, वर्कशॉप की बात कर रहा था लोगों से कि वर्कशॉप जा रहे हैं एन1 ड्रॉप करने। चले वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैंने एक्सक्यूज करने के लिए कॉल की है। क्या एक्सक्यूज बॉस? वो छुट्टियां, आपको पता है बीच में छुट्टियां आ गई हमारा रबल अपल की, और संडे भी था। हाँ और लड़के कुछ गए हुए थे ऑटो स्टेशन, वापस नहीं आए, तो इस वजह से ना आपकी गाड़ी जो है अभी जो रिफॉर्म है ना आपको। मैंने पहले गाड़ी देने से पहले बताया था यार ये ना करो, जनरल लड़ाई हो जानी मेरी आपकी। यार देखें लड़ाई ना हो इसलिए तो फोन कर रहा हूँ आपको भाई। तो यार ये ना करो यार, मैं N1 देने आ रहा था, मैंने कहा इसको N1 का तो फारिग करें ना, बीच में से आपने रीबॉर्न का बनाया कटा खोल दिया। यार ये ज्यादती है खबर भाई, जनवन ये ज्यादती है आपको। जब मैंने कहा था मैंने 30 डेज में पूरी करनी है गाड़ी, तो आपको चाहिए था आप गाड़ी कम्प्लीट करके, तो ये तो आपने फिर गलत बात किया है। मैंने भी तो कहा था 30 डेज में नहीं होगी यार, वो अब आप अपने अपनी बात पे जरूर उतरना पूरा, मैंने वो कहा भी था 30 डेज के अंदर करनी है। अच्छा अच्छा चले चले, आप नाराज ना हो इतने यार, इतने नाराज ना हो, क्या हो गया? नहीं नहीं आप कहते तो आपको दे देते हैं गाड़ी। आपको यार ये शुगल ना लगाओ मेरा, सही बताओ गाड़ी हो गई कि नहीं हुई है, शुगल लगा रहे हो आप। अगर आप नाराज हो गए तो आज ही दे दूंगा, अगर नाराज नहीं हो गए तो चलो कुछ पता। अच्छा आप चेजा खींचने के लिए फोन किया, मुझे लगता है भाई खबर भाई हमारा चेजा खींचने, ठीक है रीबॉर्न जो है वो रेडी हो गई है, या तो वो मेरे आगे से नाराज होने से डर गए हैं, या फिर वो वाकई रीबॉर्न सेटलमेंट कर दी और वो आपके भाई का चेजा खींच रहे हैं। हम चलते हैं, हमने N1 का ब्लॉग बनाया था लेकिन अब ये रीबॉर्न का ब्लॉग पे शिफ्ट हो गई है बात, तो चलते हैं पहले वर्कशॉप, और वर्कशॉप जाके आपको रीबॉर्न के अपडेट देते हैं। अगर तो हो भी हुई तो ये पार्ट आप ब्लॉग में देख लोगे, अगर नहीं हुई होगी तो फिर हम N1 का ब्लॉग कंटिन्यू कर लेंगे। खैर एनीवेज चलते हैं, और इस ब्लॉग को स्टार्ट करना पड़ेगा यार, एक तो जिंदगी में मसले पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, कैसे मजे में? आपका भाई बड़ा परेशान है गाइस, टेंशन में बुढ़ा का आ रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रही क्या करें। पहले गाड़ी नहीं तैयार हो रही थी, खबर भाई के पास खड़ी थी तब समझ नहीं आ रही थी, अब खबर भाई ने बुला लिया है चीजा खींच रहे हैं तब समझ नहीं आ रही। टेंशन क्यों ले रहे यार, ये समझ नहीं आ रही यार, टेंशन किस बात की यार? अभी देख आज क्या हुआ है, 18 दिन रह गए, अगर गाड़ी मिल भी जाए तो कैसे करेंगे? हो जाएगी इंशाल्लाह, होगी यार। बड़े काम है असद साहब, यार ले लिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या रहता है अभी रैप होनी है गाड़ी, ठीक है एक काम हो गया, रैप होनी है, ओके रिमटर लेने हैं, अभी रिमटर की समझ नहीं आ रही कौन से लगाने हैं, ये मेजर है क्योंकि लिए नहीं अभी, वो जो रैप का कलर है समझ नहीं आ रही उसके साथ कौन से रिम चलेंगे, ये काम इस पे टाइम लग सकता। सुन तो सही ना यार, सुनो अभी देख यार हौसला पे मारना मुझे, मेरी बात सुन, अभी इसका इंटीरियर रहता है कोशिश हमने करा ली है, पेंट जो है उसका, ओ इसका यार हां देख मेरा दिमाग खराब हो गया, तो एक महीने में दो दो गाड़ियां लेके बैठ गया हूं, एक क्राउन भी लेके कभी कभी बैठ गया, तीन तीन इसलिए कह रहा हूं, ठीक है उसका इंटीरियर ब्लैक होना है पूरा, पोज पे कराना है तुमने सर, ना सब बता देगा तू पागल है, ताना नहीं चुप सॉरी भाई, सब नहीं बताना यार, देखो मैं आपके साथ हूं, ठीक है वो करवाना है, उसके अलावा छोटी छोटी चीजें डिटेल्स है यार, एबीएस एबीएस का मसला उसका हल नहीं हो रहा, जो हमारी फॉग लाइट बार बार उड़ती है वो, हाँ उसका फ्यूज का मसला, ये तो इनको पता ही नहीं है, ये बताया नहीं, इस तरह के छोटे छोटे मसले हैं, छह काम है सिर्फ, मेन काम है रिम वाला, रैप तो एक दिन में हो जाएगा ना, रिम वाला कह रहा हाँ तू पागल हो गया, एक दिन में महंगा वाला रैप टाइम लगता है गाइस, बहुत महंगा वाला रैप है वापस की बात है, पहली दफा जिंदगी में इतना महंगा रैप कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और कलर भी ऐसा पहली दफा, टेंशन में गाड़ी राइट पे लगाए, बुड्ढा खाई जा रहा है, और सोचे हमने करना क्या, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, वर्कशॉप नहीं जा रहे हम, यहाँ खड़े हुए हैं, इसी के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, वर्कशॉप जा रहे हैं गाइस, N1 का बेसिकली ब्लॉग बनाने निकले थे, लेकिन रस्ते में खबर भाई की कॉल आई है कि गाड़ी आपकी शायद वेली होगी, वो चीजा खींचने के लिए उन्होंने कॉल किया,
वो आपने सुनी ली होगी। चलते हैं, कहाँ पे चल गया, बताते हैं क्या सीन है। ओके इंशाल्लाह, समझ नहीं आ रही कैसे क्या हो जाएगी यार, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा, रिम वाला काम है हमारा। चल 12 दिन ओके ओके गया यार, टेंशन में सारा बूढ़ा खा गया। मैं चेक करो जरा यार, कितनी टेंशन है जिंदगी में। अगर ये बंदा गाड़ी तैयार ना करके देता तो 30 डेज चैलेंज मारा तब भी खराब हो जाता दिन बाद, क्योंकि अभी भी 12 दिन रह गया, पता नहीं हो पाती या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है, हो जाएगी, कोशिश है। आओ गाड़ी देख के, आप खाओ खाना, मैं गाड़ी देख के आया। अभी तो टाइम है गाड़ी में, खबर भाई क्यों बुलाया फिर, शुगर नहीं लगा रहे मुझे लगता है। मैंने कहा था रात को देंगे गाड़ी, वो ये भी नहीं हुई भी। फ्रंट गेट भी अभी होने वाली है, वन पीस ये भी सुराख है, ये भी बंद होने, अभी है टाइम यार गाड़ी में। गाड़ी बाबा गंदी हो गई है, डैब डैब को मेहनत करनी पड़ेगी। कोई और काम है जो हम अभी कर सकते हैं? हाँ क्या, लाइटें इसकी पिछली, ओए हाँ इसकी लाइटें पिछली, जब तक गाड़ी का काम हो रहा है ना, सीटें भी लग रही हैं, सीटें वो पिछली लग चुकी है, कोशिश करवाई थी हमने लास्ट ब्लॉग में, पिछली सीट लग चुकी है, नीचे वाली लगनी है और फ्रंट वाली उस साइड की लगनी है, ये 5 मिनट में ये लग जानी है। और उसके इसमें टाइम है ना, इसमें हाँ ये किट शिट, ये जो ये अस्तर लगना है ना फाइनल कोट, उसमें टाइम लगेगा। ये भी नहीं शो बैठी हुई यार, खबर पे कहा था ये भी ब्लैक करनी थी यार, ग्रिल ये भी काम है, ये भी है, ये तो बहुत ज्यादा निकला है बाहर, लाइट के नक्के बनने वाले हैं। ये रिपेयर हुआ है, नया तो रिपेयर कहाँ हुआ है, और ये होनी है ग्रिल पेंट होनी है। चलो ये तो बात की बात है, ये गैप अगर जितना कम हो सकता है ये गैप उतना कम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गैप है। मनु ने लगता है लाइट इतना गैप नहीं चाहिए, लाइट अंदर जा रही है, इंच बैठ जाए ना, ये बहुत ज्यादा है यार, ज्यादा है भाई। चलो देखते हैं, लाइटें शाइटें हमने उतार ली हैं, ठीक है, गाड़ी कब तक रेडी हो जाएगी कंप्लीट? गाड़ी ये कोई आज 5:30 तो बज गए हैं, 5:30 7:30 तक जाएगी, 7:30 तक पूरी हो जाएगी। ओके बस आपने करवा देनी है, ओके टिप टॉप, तब तक हम लाइटें करवा लाते हैं और एक और काम है वो करने जाना, ठीक है, ओके खबर भी आते हैं फिर। थोड़ी तो गाइस अभी चलते हैं, इसकी लाइटें जो है जाके करवाते हैं रिपेयर, ग्लास जो है वो नया डलना है इसकी लाइटों का, और तेरा पला हो जाए देखिए इसका ग्लास जो है नया डलना है लाइट्स का, वो डलवाते हैं। अभी समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना, अभी काम बहुत सारे हैं और वक्त कम, लेट्स गो। और गाड़ी हमने जब वो लेके जानी है तो ये भी ड्रॉप करके भी जानी है, इसका भी सीन चल रहा है, इसकी फाइनल वीडियो में आप देखोगे। सो फिलहाल चलते हैं और लाइट का कवर डलवाते हैं, लाइट चेक कर, मुझे बता दीजिए कि दिक्कत नहीं है, वो क्लियर है, वो क्लियर। अगर आप इसको मतलब ये ख़त्म करना चाहते हैं फिर, या कवर चेंज करा लें, कवर चेंज ही करवाना है, रिपेयर नहीं करना, कवर ठीक है, हाँ इसका कवर तो मिल जाता है ना, इसी हाँ ईजी मिल जाता है इसका, हाँ इसको क्या करना है ये देखते, मैं अपने पास देखता हूँ, पीस चेंज करूँ, ये पीस चेंज कर दे ताकि अंदर मट्टी ना जाए, हाँ जी क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा ना भाई, ये भी देखिए ठीक है, ठीक बाकी सारी शीशा कर देनी है, इसका कवर चेंज करना है, मतलब चारों शीशा कर देनी, कितनी देर में ये आपको सुबह मिलेंगे? अभी चलिए, अभी गाड़ी वर्कशॉप से निकल जानी, अभी कोई कुछ नहीं, 7 बजे जाएंगे तो कर देना, शीशा चेंज करना है, कौन सा खोलनी है, लाइटें सारी खुलेंगी ना, क्यों साफ होनी ऊपर से, खुली हुई है, साफ है, हां बात से साफ है वो, ठीक है, इसको कर, ओके मैच करनी है सारी साफ, ठीक है मैं आ रहा हूं फिर 7 बजे तक आ रहा हूं तेरे पास। ओके आपको दिखाते हैं, इमरजेंसी में इनको रोका है, भाई जा रहे हैं डॉक्टर के अपने आप को चेक करवाने, लाहौर की बात आई क्लास की आई काम हो भाई को, लाहौर की हवा और रास्ती है, आप हो गया डॉक्टर से मिलो के पाना। So guys, our very own tech rap is here and we are ready for rap. Color reveal करते हैं अभी, रुको जरा, किसी proper जगह, किसी proper जगह लगा के आपको दिखाते हैं।
हमने वैसे आप उसकी बात है, इस गाड़ी को रोडर ने सही बना लिया। ओके चलिए नहीं लाइट पे है, रात के टाइम है, पता नहीं कैसी लगेगी, कार्टून लगेगी कैसी लगेगी, कुछ समझ नहीं आ रही। दिखा दूं? नहीं है दिखाना नहीं है, कैसे इससे नहीं, नहीं, नहीं रुक जा अभी दिखाई देना, अभी पूरा रैप दिखाना है, क्या हो गया अभी किसी जगह सही जगह तो जाने दे। गाइस कोई 6 किस्म के पर्ल है इसके अंदर। ओए पर्ल पूल की कोई कहानी नहीं है साहब इसमें, तू ये बता अभी अच्छा लगेगा ये गाड़ी पे? तेरा पहला टेक रैप है ना? हाँ पहला महंगा रैप है, टेक रैप क्या है ये, जितने का एक रैप है ना इतने में मैंने मार के 4 दफा रैप की थी। बहुत महंगा रैप है ये, है कि इस कलर के साथ काफी काफी कंट्रास्ट करने पड़ेंगे वरना अंधेरे में ब्लैक इस कलर को उठाना। लाइट के साथ मजा। चले लेट्स सी, चलते हैं आपको दिखाते हैं, इधर दिखा देते हैं। हां इधर एक्सपो के पास कहीं रुकते हैं। ओए रुक जा क्या हो गया, खोल के दे। ओए देख ले अभी, रुक जा हौसला कर जा, कवर में आ गया, हौसला कर जा, महंगा रहा है, हौसला कर जा, कवर खोलते हैं इसका भी, सबको दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा लग रहा है यार, महंगे रैप की फील डिफरेंट ही होती है यार, वैसे इधर पड़ी ना वो डिफरेंट चीज लग रही है, लाइव कुछ और लग रही है, वीडियो में कुछ और लग रही है, लिटरली गाइस एज यू गाइस कैन सी हुए हुए। तू सही कह रहा था, पर्ल है, दिस रैप इज कॉल्ड बॉन्ड गोल्ड, ठीक है, इसका एक स्पेशल कोड भी है, not sure what is the code, lekin this color is known as bond gold, this is not matte color, this is not shiny color, this is not metallic color, this is satin color, satin jo hai humne ek dafa kiya tha mark x ke upar, satin grey, wo jo black nahi video wo satin grey tha, lekin wo china ka sasta wrap tha, obviously farak hota hai mehenge wrap mein aur saste wrap mein, main bahut tafseelan purani videos bana chuka hu jo purane followers unko pata hoga, jinko nahi pata unko bataye the ki jo china ka wrap hota hai aur jo mehenga wrap hota hai usme पैसों के अलावा क्वालिटी का भी फ़र्क होता है, तो इसकी क्वालिटी में जनरल हम लाइव देख रहे हैं ना तो फ़र्क है, और ये गाड़ी पे लाके कैसा लगेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी वन हेल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, आप कह लो कि कैसा लगता है कैसा नहीं लगता ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा साहब कैसी फीलिंग है? कोड उसका गाइस वो लिखा हुआ ECH17, ये आप अगर गूगल पे सर्च करोगे जितनी भी इस कलर कोड में रैप्ड हैं गाड़ियाँ वो आपको शो हो जाएंगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गाड़ी कैसी लगेगी। लेकिन यार देखने में लग गया तस्वीरों में, सही बात है तस्वीरों, तस्वीरें तो जस्ट गाड़ी की गोल्ड होगा, हाँ जेन्युइन हमें ऐसा लग रहा था जैसे गोल्ड है, लेकिन अभी भी ऐसा था कि गोल्ड ही है यार, अभी तो देखो ना ये गुलाई में है, जब ये गाड़ी पर लेगा तो आधी से ज्यादा गाड़ी नहीं खोलनी है अभी, उसी जिस दिन रैप होगी ना उस दिन खोलेंगे बाकी रैप को, तो दिस वाज इट, बाकी देखते हैं वक्त बताएगा कैसी लगती है गाड़ी। काफी महंगा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये है कि कुछ डिफरेंट करना था, कुछ अलग करना था, लेट्स सी ये वक्त ही बताएगा ये गाड़ी इसमें कैसी लगती है। बस दुआ आप लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूँ कि 30 दिन में हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो जाए, इनर आउटर इंशाल्लाह। देख ले अब खोल देते हैं, अच्छा इसको ना रख ऐसे ही, ये यूज हो जाएगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे, रुक पकड़ तू, मैं ये लेके जाता हूँ इधर साइड पे आ रहा है यार, कपड़े का काम नहीं किया कभी थान में, एक तो महंगा रैप ले लिया गाइस, समझ नहीं आ रही, छत्तल हो गया गाइस यार क्या कर रहे हैं अभी यार, अच्छा यार ओए 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 अच्छा चेक कर यार, धूप जहां जहां पड़ी है वहां से गोल्डन हो जा रहा है, बाकी ब्लैक इधर से आके आप भी रुके गए, अच्छा लगेगा यार इधर आ, क्या तू भी देख के आ, ये इसको अंदर कर पहले, वो साइड से अंदर कर, नहीं नहीं उधर से होने यार, अच्छा है अभी मजाक से हटके पैक करते हैं इसको, इससे पहले हम रैप रैप कर दें, रुक पकड़ मैं पकड़ता हूं, कर उधर से बल्कि पकड़ मेरे साथ ही, हमसे रैप नहीं होना वापस, हमने काम सीख लिया, ये देखें हम, हमें लपेटना आ गया, लंबी लंबी को लपेटना आ गया, हमें डब्बे में डालना वापस, वो शॉपर निकाल पे, शॉपर भी डाल, वो शॉपर पहले निकाल, रुक चल
बजूका इसको किठा कर इस तरफ आएगी उस तरफ आएगी बल्कि खींच ले दूसरी तरह आनी है चल। सो वॉइस अपडेट ये है कि टॉप 5 कमेंट्स वाला सेक्शन आ चुका है। रैप आपने देख लिया है, होप सो आपको रैप अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा तो भी कर रहे हैं, मगर अच्छा लगा तो भी कर रहे हैं। तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। अब जो हमने करना था वो कर लिए, ठीक है। बड़ी मुश्किल से इसका डिसीजन लिया था लेकिन ले लिया। एनीवेज कमेंट सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहला कमेंट जो है एफबी भाई, इन्होंने पहले भी कमेंट किया था, फिल्म का कमेंट ऊपर आ गया। एफबी है, बीइंग अ कार एंथुसियास्ट आई हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स बट डिडंट रिकॉर्ड दोस बैक इन द डेज। योर व्लॉग्स ब्रिंग बैक अमेजिंग मेमोरीज ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स। यू प्रेजेंट द कार कम्युनिटी वेरी वेल। योर व्लॉग्स एनकरेज द यूथ टू फॉलो दिस एज अ हॉबी। कार एंथुसियास्ट is away from many evils and distractions of youth. यार इसमें अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक कामयाबी है। मेरे भी ब्लॉग का यही मकसद रहा है हमेशा से कि अच्छा मैसेज जाए, गलत मैसेज ना जाए। सोशली रिस्पॉन्सिबल बनने की मैं कोशिश करता हूँ, हूँ नहीं, मुझे भी पता है मैं भी कभी कभी बहुत ऐसी फजूल हरकतें कर जाता हूँ। जितने भी लोग जिनको फॉलो करते हैं लोग, उनको भी सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसी बात पर यही कहूँगा मैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। दूसरा कमेंट जी जैनब ग्रेवाल, ये हमारे पास एक कारगर लाई है जो कि कह रही है आई एम अ गर्ल बट I still love your vlog. You are my favorite YouTuber and I always watch your vlogs when I am a bit sad to cheer myself up because your vlogs are amazing and never fails to make a smile on my face. Keep it up, bro. Thank you, Bena. Thank you very much. लेकिन उदासी में क्यों देखती हैं? क्या मसला है ऐसा आपको? आप खुशी में भी देखा करें, खुशी में आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। आपका भाई कोशिश करता है कि यार अच्छे से अच्छे vlogs बना पाए। बाकी आप जैसी बहनों की अगर दुआएं रहेंगी तो हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी इंशाल्लाह। ये तेरे कहने पे केला खजूर पी रहा हूँ आज मैं। थैंक यू बॉस, शुक्रिया। मजा आया, खोए से ऐसा ड्राई होना था ना इसने, ठीक है, अच्छा है। गुड चॉइस। अच्छा जी, कमेंट नंबर 3 है जी मोहम्मद उसामा अली भाई ने किया है। हबीब भाई, यूट्यूब पे सिर्फ आपके ब्लॉग देखता हूँ जस्ट बिकॉज कि आप कभी फैमिली को ब्लॉग में नहीं लेकर आते और ये आपकी सबसे अच्छी आदत है, अच्छी आदत है कह रहे हैं भाई। और कीप ग्रोइंग, स्टे सेफ, लव यू ब्रो। कल ऐसे ही इसने भी एक फाउल किया है, हमने सीधा जाना था, मुझे कहता है भाई ने भी यही हरकत की है कि आपकी सबसे अच्छी आदत ये है। थैंक यू ब्रो, बहुत शुक्रिया, लव यू। ये जो आपके कमेंट्स है ना, यकीन मानो आप लोगों को शायद लगता होगा कि ये पढ़ता नहीं है, ये आपके सामने पढ़ रहा हूँ तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। रिप्लाई ना कर पाऊँ उसकी बात अलग है, लेकिन मैं कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ और आपके कमेंट दिल पे कहाँ कहाँ जाके लगते हैं आपको नहीं पता। तो अच्छे कमेंट्स का हमेशा मैं जो है ना वो अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कमेंट नंबर 4 है जी, वोट फॉर नाडो वर्सेस रॉकी एंड क्राउन वर्सेस ओबला। अच्छा ये ना मैंने वीडियो बनाई थी इसकी, तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं आई गेस उसको, और उस पर मैंने आपको चैलेंज दिया था कि 20K लाइक्स होंगे तो मैं क्राउन वर्सेस पोपला रेस करेंगे, तो वो नहीं हो पाए तो रेस नहीं होगी। आई एम सॉरी, आपको पता है उसके पीछे क्या हुआ था क्या नहीं, तो कोई हम रेस रूस नहीं कर रहे। कभी अगर मौका मिला तो शायद कर ले, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल नहीं, अभी कोई ऐसा मूड नहीं है, सो देखते हैं। लास्ट कमेंट इस सेगमेंट का किया है अहमद फिजान भाई ने, वॉचिंग योर वीडियो सिंस रीबॉर्न सीरीज एज आई ओन दिस कार। थैंक यू, अल्लाह थानोस जैसे दोस्त हमें भी दे। आए 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 थानोस जैसे दोस्त हमें भी दे। अस्सलाम वालेकुम। ओ खई हो गया है, छोका ईगो आ गई है आपकी। आपकी सब ख्वारियों में वो बंदा आपके साथ खड़ा होता है, बंदा चेक कर दे रहा है, लोग कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो यार मेरे दोस्त ऐसे ही है, कभी बासिम मेरे साथ होता है, कभी थानोस, कभी 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 बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं। आप लोगों को शायद, आप तो नए हैं आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने ओजीज हैं उनको पता है कि मेरे सारे दोस्त मेरी बहुत सारी कुआरियों में मेरा साथ देते हैं। तो वही वाली बात क्या, दोस्त होना चाहिए, नस्ली होना चाहिए। ये मेरा मजाक उड़ाता है आजकल इस बात पे, मैं नस्ली वर्ड बहुत यूज करता हूँ ना, तो मेरा मजाक उड़ाता है। एनीवेज दिस वाज द टॉप 5 कमेंट सेगमेंट। जूस पी लिया है, जो हम टाइम पास कर सकते थे हमने कर लिया है। अब हमने लाइट पिक करनी है और गाड़ी पिक करनी है। लेट्स सी हम पहले क्या पिक करते हैं। लाइट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? फ्रेश कोई नहीं है, ये देख क्रैक्ड है यार। नहीं यार होगी ना, साफ हुई है तो नजर आ रही है, पहले तो गंदी थी। और जाने दे, क्या मतलब पेपर, वैसे पेपर लगने रहने दे। इसका शायद चेंज हुआ है ना, ये अंदर से भी, हाँ इसी का टूटा हुआ था, इसका ये भी रिपेयर हो गया, ठीक है। बाकी ले गया ना, क्या हुआ? सिलिकॉन की खुशबू आ रही है, पता है मुझे, ठीक है ना, तूने मखरा मुझे, ये एक तो केला खजूर का नशा करवाया, ऊपर से वो तू सिलिकॉन का नशा, वखरा ही नशीब बना रहा तू मुझे। तू क्या कर रहे यार असद? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? भाईजान आपने एक चीज नहीं देखी, एक पीछे वाली लाइट क्रैक्ड है। क्रैक्ड है, हाँ कैसे दिखा जरा यार, क्रैक वाली, ये ठीक है, ये फ्रेश हो गया, नहीं ये देख ऊपर से वो फिल हुई है ना, वो फिल है, टूटेगी तो नहीं है, नहीं नहीं फिलिंग हुई, बस ठीक है, ये पीछे रख दे, ये भी पीछे रख दे, ये ठीक है, ओके चल रख दे। यार टेप लगा देनी थी, गंदी ना हो जाए। तो आपने कौन सा बताया, आपने कहा अभी गाड़ी जानी है, अभी चल मैं अभी जाके फिट वैसे करवा ही लेनी है। चल ओके ओके रख दे, कितने 4000।
कितने? 4000। वो तूने ना वो जो कराची में एक सीन हुआ था समंदर पे ले गया था अंग्रेज को बंदा घोड़े पे बिठा के उसने कहा 3000। देखी थी वो वीडियो? नहीं देखी। तूने वो वाली बात की है मेरे साथ? 1600 रुपए के कवर है। अच्छा 1600 रुपए का ठीक है। और वो उसके वो पीछे वाली आंटी भी चेंज की है, सेकंड हैंड लगा दी। अच्छा ठीक है, तो सारी चीजों के 4000। चलो ओके, कैमरा ऑफ द कैमरा करता हूँ तेरे से। कितना? 3000 नहीं होगा खलास। इधर से हारो, इधर से आगे देखो एक बार जा, मैं करूँ ये यार। मजा आया, मजा आया। नीचे और पीछे से शायद सेटिंग करवानी है अभी। कैसी लग रही है कवर में? मजा आया, मजा आया। मैंने तो ड्रॉप की नहीं गाड़ी इतने दिनों से। आपके पास रिमोट ही नहीं था, आप कैसे करते? मेरे पास रिमोट होता, मैंने मजे लेते रहना था। अच्छा मेरी बात सुनो, रीबॉन कल के दिन में ऑल क्लियर चाहिए मुझे एबीएस के मामले में। अच्छा ठीक है, एबीएस। सेकंड चीज मेरी बात, एबीएस इसमें करना है ठीक है। ये जब एबीएस क्लियर कर देगा ना, ये मुझे कहेगा कि हाँ जी ये जो यूनिट आया ठीक है, मैं सिलेंडर लगा के क्लियर करा दूंगा ठीक है। अब दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जो लाइट हमारी खराब हो जाती है, फॉग लाइट एक खराब, फॉग लाइट चलती है, हाई बीम खराब होती है, हाई बीम चलती है फॉग लाइट, वो जो भी इशू है वो आपने रिजॉल्व करना है। हमारी लो बीम नहीं चल रही, वो भी ठीक करनी है। थर्ड चीज ब्रेक पैड्स, ब्रेकें वाज कर रही है, एबीएस भी हो ही रहा है तो ब्रेकें भी सही हो जाए, क्योंकि आपको पता है गाड़ी ठीक होते साथ हमने निकल जाना है पहाड़ों में। ये चैलेंज का वो है ना, चैलेंज में कामयाब हो गए तो हमने पहाड़ों में जाना। अच्छा लास्ट चीज रेडिएटर साफ करवाना है, जब से गाड़ी लिया रेडिएटर साफ नहीं करवाया, यूज गाड़ी का रेडिएटर साफ करवाना चाहिए। बताओ जरा, यूज गाड़ी का रेडिएटर साफ करा लेना चाहिए। यही कहा था बताने के लिए, बता उन्हें कहा था लंबी नहीं करनी। इन्हें पहले का लंबी नहीं करनी। ठीक है गाइस, रिबॉन हम छोड़ के जा रहे हैं वर्कशॉप पे, कल होपफुली हमारी गाड़ी पूरी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि आज कौन सी डेट है बाय द वे, एक सेकंड, हमारे पास ठीक 12 दिन रह गए आज का दिन निकाल के, और कल का दिन निकाल के 11 दिन रह जाएंगे, और 11 दिन में हमने गाड़ी पूरी कंप्लीट करनी है। उसमें रैप है, इंटीरियर है, रिम टायर है, और भी कुछ जो गुडीज है वो है। सो इट विल शक्ति में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे मैंने हिसाब लगाया खबर पे की भी शक्ति में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शरीफ आदमी को जो है ना ये लोग घेर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें भी घेरा जा रहा है अभी है। आप कल गाड़ी क्लियर करके दो बस, बात खत्म ठीक है। मैं तो मिल ओके यार, लेकिन बात सुन, सारे काम हम लोग करें, पहाड़ों में ये जाएं। ये क्या, एक काम करते हैं ना खबर भाई की तरह, हम भी आपको ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं। नहीं नहीं, मंगवाते हैं, सारे चलते हैं ऑफ टू माउंटेन्स। ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ, मैंने तो अभी हिसाब लगाया है। खैर एनीवेज गाइस, कल मिलते हैं आपसे वर्कशॉप पे इंशाल्लाह, जब गाड़ी क्लियर हो जाएगी तभी आएंगे। वैसे तो काम तो करना कोई नहीं है। मुझे उस दिन कहता कि मैंने जाऊँ खुद ट्यूनिंग करनी, आया कहता नहीं दिल नहीं कर रहा मेरा, आप लोग ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा तो घर से हुआ है? जो कह रहे थे वो कहो ना प्लीज यार, अजीब ब्लॉगर की भी कोई जिंदगी होती है। अगर जंग वाला पानी निकला तो फिर भेजनी होते रेडिएटर साफ सफाई से, अगर पानी साफ नहीं रहा तो फिर डिस्टिल वाटर पा दी ठीक है। नंबर एक, पक्के चो आवाज आ रही है, पक्का खोल के चेक कर ली, उसमें जमीन ना करी, ब्रेकों से एक मुंडे में ला दी, पहले फ्रंट ब्रेक कर ले फिर पिछले कर ले, की समझ आया? ब्रेक पक्का मोटर से रेडिएटर चेक करना चाहिए, अगर वाश होना होगा ओके, बाकी इलेक्ट्रिकल मुकम्मल कर। फाइनली गाइस अल्लाह करके गाड़ी वर्कशॉप से निकल गई है, लेकिन एक वर्कशॉप से निकल के दूसरी वर्कशॉप जा चुकी है। अब इंशाल्लाह इस व्लॉग को हमने तब एंड करना है जब गाड़ी हमारी टोटली क्लियर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल, यू नो दो चार दिन का ब्लॉग बन जाए, मजा आ रही हो रही है गाइस। गाइस इसको मैंने कहा था शुरू में करा, स्टार्ट में काम, मसला जो था वो तो है अब, और वो ठीक होना है। असल में बेसिकली हुआ पता क्या है, इस दफा हुआ ये, अच्छा बाकी बातें सुबह करेंगे, अभी आपका भाई बहुत थका हुआ है, बाकी सुबह बातें करेंगे ठीक है। कल वर्कशॉप इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी गाड़ी, फिर आपको गाड़ी की अपडेट देंगे। ओके सी यू गाइस टुमारो। सो बॉयज वी आर बैक, आज क्या रेट है? ठीक है, सारा कुछ छोड़ देना, क्या हुआ यार, बोर्ड की जगह
प्लग लगा दी है ये आपकी वर्कशॉप में हुआ है किसने किया गैस करो ये किसने किया ये आपकी वर्कशॉप हुआ लेकिन ये किसने किया मैं ये वो देखो अब उसको मैं दिखा नहीं सकता कैमरे में इस हालत में वो घूम रहा है पीछे गाइस ये देखिए क्या हुआ बोल नहीं मिल रहा था उसको बोल तो अंदर घूम रहा था डांस कर रहा था मोटा बोल नहीं मिल रहा था नहीं उसने ये डाल दिया अंदर यार खूबसूरत यार बहुत मजे का ये जनरल ट्यूनिंग हुई है ना सब हुआ है अच्छा गाइस 19 सितंबर है आज ठीक है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गाड़ी का एबीएस वगैरह जो भी मेंटेनिंग काम था जो हम कल कह ही गए थे सुशील भाई को और मुजम्मिल भाई को वो गाड़ी का हो रहा है सुशील भी क्या कहना चाहेंगे क्या हुआ बताओ ना काम हुआ और क्या हुआ क्या ये गाइस ये कल वाला केला का जूस नहीं है आज अनार का जूस पिया हमने बताओ ना क्या अपडेट है गाड़ी की यार अपडेट ये है कि बस वो एबीएस में शॉर्टेज थी वो यार इसको पीछे कर दे भाई अच्छा जी तो हुआ यह है कि ये चेपियां जो लगी हुई थी ओए होए होए ये देखो एबीएस है ये पुराना एबीएस है पुराना एबीएस का देखो जरा हुआ क्या हुआ ज्यादती हुई है एबीएस का गाइस पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ ये लगी हुई है पुटीन ओए होए 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 अल्लाह कितनी ज्यादती करते हैं सिलिकॉन नहीं है सिलिकॉन ये है ठीक है बहुत ज्यादती लगती है अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पुटीन एंड सिलिकॉन एनीमोर ये बंदा कैसे इन गाड़ी सेकंड हैंड ले रहा है कैसे चेक करे तो ये है ये पहले रिपेयर हुआ होगा इसके सिलिकॉन इसलिए यहाँ लगाई हुई है अच्छा वो जो आप कह रहे थे सोलेनाइड वो किधर होते हैं यहाँ की मोटर है इसके अंदर सोलेनाइड होते हैं ये सोलेनाइड होते हैं जब ये सोलेनाइड काम ना कर रहे हो तो स्टक हो जाएगी स्टक हो जाए तो आपका कोड आ जाता है एबीएस का ये आपके सोलेनाइड सो बेसिकली इसका कोड आ रहा था वो भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था क्योंकि एबीएस और इसके बीच में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा तो बॉयज अब सीन ये है कि ऐसी ज्यादा गाड़ी की हमने खरीदी थी लेकिन हुआ ये होगा कि पिछले ऑनर या फिर जो जिस जिसके हाथ में ये गाड़ी गई क्योंकि बहुत सारे हाथों में चली होगी उस बंदे ने क्या किया इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के बजाय वो जुगाड़ लगाता गया और मसला यहाँ तक पहुंच गया कि ओबीडी से ताल्लुक नहीं बन पा रहा था एबीएस का वो बना तो एबीएस हमारा खराब निकला और एबीएस चेंज करने में तकरीबन कोई पिछले 5-6 घंटे जो है ना बंदे की गलती नहीं ना जो उसको मतलब उसको मैं बताऊं गाड़ी देख लिया होगा मैकेनिक चल गया सो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं हम कारीगर रेस्टोरेंट यही करना था ना कह रहे नहीं बेस कारीगर रेस्ट रूम मोड्स ना हो जिंदगी में तो ऐसे मसले आपके आते रहते हैं तो कारीगर रेस्ट रूम मोड के साथ भी आएंगे लेकिन प्लग लगाया हुआ बोल ही देगा जस्ट बींग मॉडेस्ट गाइस तो अब ये यहाँ से गाड़ी जब जैसी क्लियर होती है तो हम गाड़ी को रोड टेस्ट करते हैं और फिर ब्लॉक खत्म करते हैं लेट्स होप सो अब कि कोई और नया बाजा ना बोल जाए क्योंकि मुजम्मिल मुझे जो है ना वो हाईली डीमोटिवेटेड लग रहा है जैसे ये गाड़ी ठीक नहीं कर पाएगा जिस लेवल की गाड़ी है ना बाजा नहीं बोलता कट्टा खुलता लेट्स सी बाजा बोलता है कट्टा खुलता है या गाड़ी ओके होती है भाई है? ये देखो अगर बंद करेंगे तो आएगी अस्सलाम वालेकुम भाईजान ब्रेक ठीक है तो रात को आना गाइस डोंट माइंड माय फुट वी आर टेस्टिंग एबीएस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुझे पीछे कोई नजर नहीं आ रहा कोई आ रहा कि नहीं आ रहा जरा खुद ही ध्यान रखना मुझे भी नहीं आ रहा एबीएस टेस्टिंग गाइस देयर इज नो लाइट इन द मीटर एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट एबीएस फाइनली जब से गाड़ी ली है एबीएस आज जाके ठीक हुआ है फाइनली लास्ट ट्राई दोबारा चेक करते हैं यस ब्रो ओके ब्रो लव इज ब्रो सी यू इन द नेक्स्ट वन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना लव इज बाय बाय टायर चेंज होने वाले हैं टायर चेंज होने वाले हैं यार अच्छा यार ये तो साथ ही डाउनफॉल कर दो